नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। तस्वीरें यूपी के मऊ जनपद से है। आपने एमबीए चाय वाला, बीबीए चाय वाला, बीबीए चाय वाली, तमाम एमए चाय वाली सुना होगा, लेकिन अब यूपी के मऊ जनपद में बीए कॉफ़ी वाला नाम से एक स्टोर खुला हुआ है। चाय कैसी है ये कॉफ़ी? सॉरी, बहुत अच्छी है। चलिए ये तो पी रहे हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कॉफ़ी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? उज्ज्वल मदेसिया। उज्ज्वल, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? ये डीसीएस की पीजी कॉलेज से। कौन सा ईयर? बीए। अरे बीए में कौन? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, अच्छा। ये तो कैसे समझ में आया कि यहीं पे दुकान खोल दें, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मन में आया कि मुझे कुछ करना भी है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मुझे कुछ करना भी है। अच्छा, तो उसलिए मेरे दिमाग में आया कि मुझे पढ़ाई के साथ कुछ करना है, तो मैंने मेरे दिमाग में आया यहाँ पे एक घूमती है, तो मैं कॉफी, एक मेरी कॉफी शॉप है जो रोडवेज के पास है। अच्छा, तो वो मैं अगले साल, मतलब इसी धंधे में पहले से हैं आप? नहीं, एक साल पहले। एक साल पहले? हाँ। से। अच्छा, मतलब मेरी स्टार्टिंग जो है 7,000 से हुई थी। हाँ। एक मिक्सर से, उसमें क्या अगले साल में बस शेक बनाता था, बनाना शेक, तो ठंडी स्टार्ट आई तो मैं कॉफी बनाइए, हमको पिलाइए कॉफी, देखते हैं कैसा लगता है। इधर आइए, देखिए कॉफी बना रहे हैं और यहाँ पे आइसक्रीम भी रखे हुए हैं। देखिए दूध यहाँ है इनका, डिफ्रीजर भी रखे हुए हैं। मतलब अमूल से मिला है कि? अमूल से। अच्छा, अमूल से मिला है। देखिए ये आइसक्रीम भी रखे हुए हैं और ये आ गया इनका स्टोर। ये कुल्हड़, जो कि अब यूएसपी हो गई है, ये कुल्हड़ में देते हैं। क्या रेट है इसका? इसका ये कॉफ़ी का क्या रेट है? ₹10 का। अमूमन आप कॉफ़ी पीने जाएंगे तो आपको कॉफ़ी का जो रेंज है वो काफ़ी महंगा है। कॉफ़ी की रेंज जो है बाहर में आपको बहुत महंगी मिलती होगी। ये मक्खन वक्खन भी डालते हैं? हाँ, मक्खन डालते। मक्खन बहुत ज़्यादा, मत मक्खन बहुत नॉर्मल। हाँ हाँ, पूछ लिया करिए, मक्खन से तो हार्ड थोड़ा कॉफ़ी बनाइए। तो ये देखिए कॉफ़ी बना रहे हैं ये, और हम आपको दिखाएं कॉफ़ी गई। अब ये चीनी, अब ये मशीन। ये मशीन किससे? गैस से चलती है? गैस से। यहाँ पर अब को बॉयल कर रहे हैं और ये फिर इसमें थोड़ा कॉफ़ी डालेंगे। तो उज्ज्वल नाम बताया ना? हाँ। उज्ज्वल, ये मतलब पारिवारिक धंधा है कि आप अपने से बनाए हैं? अपने से बनाया है। अपने से बनाया है? अच्छा, अपने से बनाया है। तो क्या ये बीए में पढ़ने वाला लड़का तो सोचता है कि पढ़ाई करें फिर चलें कुछ और भी काम करें, तो कहाँ से दिमाग आया कि चलिए बगलिए में खोल लेते हैं, कि ताकि एक तो हमको जानते भी रहेंगे क्लास वाले, फिर आके हमारे यहाँ कॉफी भी पियेंगे? तो क्या मतलब है? वो ये कि कॉलेज के अगल बगल कोई कैंटीन नहीं है। अच्छा, कैंटीन? हाँ। अंदर भी है और ना बाहर। ये बात तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे क्यों ना खोल दिया जाए। हाँ, उसकी याद खोला और बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब वो हो रहा है। मतलब अच्छा, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं रहता होगा तो मैं उसको दे देता हूँ। दे देते हैं? बिल्कुल, पी लो, मन है तो पी लो। बिल्कुल। देखिए उज्ज्वल की बात कितना अच्छे से इन्होंने बताया कि अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है तो भी ये कहते हैं अगर मन है उसका तो पी लो। अब यहाँ पे ये कॉफ़ी बॉयल हो गई है पूरी मशीन से, क्योंकि अच्छा ये बताइए कि जैसे और भी किसको किसको आपने देखा है कि ये काम करते हुए इस फील्ड का? सब लोग चाय बेच रहे थे, आप कॉफ़ी बेच रहे हैं? हाँ। कॉफी क्या है, उसमें ठंडी आ गई थी ना। हाँ। मुझे आप कॉफी उतना मतलब शेक उप चलेगा नहीं। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कि अब कॉफी मतलब कॉफी की डिमांड ठंडी में ज्यादा होती है। अच्छा, तो कॉफी का मैंने खोल दिया। तो अब तो गर्मी आ गई। हाँ, अब गर्मी में चाय बनाते हैं और शेक बनेगा। अच्छा। कोल्ड कॉफी। अच्छा, शेक भी बनेगा, कोल्ड कॉफी भी बनेगा। हाँ, मोजिटो क्रश रश सब। अच्छा, मतलब पूरा दिमाग लगा दिया इसी पे, बिजनेस पे। हाँ, पूरा। पढ़ाई करनी है आगे कि नहीं? बिल्कुल करनी है। करनी है ऐसे ही सब कुछ है। पढ़ाई, देखिए ये हमारा कॉफ़ी बनकर तैयार है। तो कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है देखने में। ये देखिए भाई, अब इसको टेस्ट लेंगे तब ना। टेस्ट अच्छी है, लेकिन बस ये है कि इसमें जो अमूल बटर, ये बटर भी डाल रहे हैं, अमूल नहीं, न्यूट्रीलाइट। हाँ, न्यूट्रीलाइट। ये आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है, सेहत। हाँ, इससे क्या, इससे टेस्ट आता है? अरे टेस्ट तो आता है, तो इससे थोड़ा सा परेशानी भी होगी। लोग, कुछ लोग और हैं उनसे भी जानते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ये मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र जी, कैसी कॉफ़ी आपको पीने में लगी इनकी?
कॉफी बहुत अच्छी मिलेगी, थोड़ा सा बटर आपको कहा भैया जी बटर थोड़ा कम डालेंगे तो और अच्छी रहेगी और टेस्ट काफी इनका अच्छा आता है। आप तो छात्र नेता रहते हैं, यहाँ पे बैठकी चलती है आपकी? जी डेली बैठकी चलती है भैया। और सबसे बड़ी चीज है कि 2017 के बाद जब से हम लोग कॉलेज निकले उसके बाद एक बदलाव आया है जो हम लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम भी 2007 में यहाँ पढ़े जी भैया, लेकिन उसके बाद बदलाव आया है। सही बात है आपकी बात से, जो हम लोग बदलाव देख रहे हैं, जैसे हम लोग क्या है तो लड़के और लड़कियों में बड़ा फर्क महसूस करते थे और जब से इधर थोड़ा सा मार्केट बढ़ा है और 2017 के बाद अपने मऊ में जो बहुत छोटा सा शहर है यहाँ लड़के लड़कियों में फर्क बहुत नहीं दिख रहा है। फर्क देखने को लड़के लड़कियाँ सारे एक साथ आते हैं, सब लोग एक साथ काफी मिलते हैं, तो ये जो है हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है कि जो लोग भेदभाव लड़के में माता पिता भेदभाव देखते हैं, इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर आइए, खत्म हो रहा है। और इधर आइए ना, इधर आइए। हाँ अरे आ जाओ, क्या कर रहे हैं वीडियो में? अरे हाँ बताइए 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 क्या यहाँ भैया। जो हम लोग के माँ बाप देखते थे कि लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती, लड़का है तो कुछ नहीं कर सकता, लड़का है तो लड़की के साथ क्यों बैठा है, ये भेदभाव काफी हद तक मिटा है। और आने वाले समय में बड़े कैंपस में तो ये भेदभाव नहीं है, छोटे कैंपस जैसे हमारे साथ लोग पढ़े हम लोग के समय बहुत था ये सब, लेकिन आज के समय बहुत कम है और एक काफी अच्छा लगता है। आपसे 10 साल पहले मैं पढ़ा हूँ, समय तो बहुत था और हम लोग का सौभाग्य था भैया कि आप हम लोग का प्रैक्टिकल विलेज है। ठीक है, ये बताइए कॉफी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छी कॉफी, बहुत अच्छी। तो ये जो खोले हैं क्या नाम बताया आपने? उज्ज्वल। उज्ज्वल का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? मैं वैसे कॉफी पीती तो नहीं हूँ, कभी नहीं पीती हूँ, पर मुझे अच्छी लगी है। आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छी लगी। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया था। बढ़िया लग रहा है। चलिए उज्ज्वल से बात करते हैं हम। अच्छा ये बताइए उज्ज्वल कि जैसे और भी क्या ड्रीम है, जैसे एक MBA चाय वाला है और भी लोग हैं, तो आप भी चाहते हैं कि अपना ये ब्रांड बनाए? हाँ बिल्कुल। हाँ इसको आगे हमको बढ़ाना है, बढ़ाना है और खिलाड़ी बनने जाना, इसको और आगे बढ़ाना है, ये नाम को बरकरार रखना है। बिल्कुल। BA अमूमन कहा जाता है BA वाला कुछ कर नहीं पाता है, जब कर दिखाएंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाएंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पहले हमारी वो थी रोडवेज के पास। अच्छा। शॉप है। हाँ। रेस्टोरेंट थी। हाँ। वहाँ पे मतलब हम लोग शुरू से मतलब अपने फैमिली मिल के करते थे। अब वो क्या वहाँ पे बढ़ गया है, अब वहाँ पे पत्थर। एक बार लॉन्ग शॉट में आप इनकी दुकान को दिखा दीजिए। देखिए ये BA कॉफी वाला और कॉफी का क्रेज है मार्केट में। चलिए उज्ज्वल, आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। और अगर आप कॉफ़ी इस तरह से गुजर रहे हैं, ये दुकान इनकी DSSKPG कॉलेज के पास है। अब जब फाटक से आज हम मोड़ को जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगी। अगर आप यहाँ रुक के आनंद लेना चाहते हैं भीड़ भाड़ से हट के, और भी लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं भीड़ भाड़ से हट के यहाँ पार्किंग की भी सुविधा हो जाएगी, आप आके कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।